हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम आ गए हैं अपने फिर से एक न्यू गेम प्ले के साथ जो कि है आइसक्रीम 6 का। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस गेम को। और इस गेम में हमें बचाना है अपने फ्रेंड चार्ली को यानी कि मोटू को। तो गाइस फटाफट से गेम शुरू करते हैं और देखते हैं हमें इस गेम में कैसे कैसे और क्या क्या पजल सॉल्व करने होंगे। तो इस बार हम अपने एक न्यू लोकेशन पे गाइस। तो यस हमारा गेम शुरू हो चुका है गाइस। अब क्या है कि पहले अपने को यहाँ से निकलना होगा गाइस। तो फटाफट से ढूंढो कोई एग्जिट। एक सेकंड गाइस यहाँ पे ये देखो। तो गाइस मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, ये है मिस मार्टी और जो कि यहाँ पे दिन भर आके बस आइसक्रीम ही खाती रहती है गाइस। अपने को इसे एंड में एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाना गाइस, क्योंकि हमारे आज़ादी की चाबी मिसेस मार्टी के पास है गाइस। तो अभी अभी मैं उनसे बचाऊँ गाइस। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं गेम को गाइस। तो चलो फिलहाल अपने को क्या ढूंढना है, अपने को ढूंढना है एक जगह जहाँ से अपने को मिलने वाली है कुछ एक्साइटिंग आइटम। तो चलो गाइस फटाफट से पहले उस एरिया पर चलते हैं। ओके गाइस, तो ये देखो ये जो रूम है ये जोसेफ का रूम है। और आपको मैं बताऊं जोसेफ कौन है, तो वो आइसक्रीम अंकल के पापा हैं। जी हाँ गाइस, ये जो रूम है अपने को ये खोलना है, लेकिन अपने को यहाँ पे एक गोल्डन प्लेट ला करके लगानी होगी और जो कि हमें मिलेगी दो हिस्सों में। तो पहले हमें एक प्लेट और फिर सेकंड में हमें दूसरा हिस्सा मिलेगा। तो चलो गाइस फटाफट से ढूंढते उसे। यहाँ पे तो अपने को मिल नहीं रहा गाइस, आई थिंक अपने को यहाँ से किसी और एरिया में जाना होगा। तो फटाफट से चलते हैं उस एरिया में। एक बार इस साइड में जितने जगह हैं मैं वो सारे चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं मुझे मिल जाए। इस ड्रॉर में नहीं, इस ड्रॉर में भी नहीं है, इस ड्रॉर में भी नहीं है। ये वार्डरोब तो ये तो छिपने के काम आएगा, वो अगर सड़ेला रॉड जब आएगा ना अपने पास तो। ओ गाइस शिट, अभी अभी मैं बचाऊँ उस मिनी रॉड के बच्चे से। लगता है वो भूल गया, पिछले आइसक्रीम फायर में मैंने उसे कैसे इलेक्ट्रोगन से उड़ाया था और ट्रैप लगा के, लगता है वो भूल गया। गाइस मुझे यहाँ पे मिसेस मार्टी से बच के बिल्कुल ही क्लियरली आगे आगे जाना होगा, क्योंकि वो अपने मुँह से पिंक कलर के बॉल से मारती है, यानी वो मुझे अपने मुंह से आइसक्रीम बॉल निकाल कर मारती है, जिसकी वजह से मैं फ्रीज हो जाता हूँ कभी कभी। तो आइए फिलहाल अपने को जो गोल्डन प्लेट ढूंढना है उसको ढूंढते हैं गाइस। यहाँ पे भी नहीं है, एक सेकंड यहाँ चेक कर लूँ। ओके गाइस ये देखो, मुझे उस प्लेट की एक हाफ जो होती है हाफ आधा टुकड़ा मुझे मिल चुका है। अब मुझे फटाफट से जाना है और इस प्लेट को वहाँ उस दरवाजे पर जाके प्लेस कर देना है गाइस। तो चलो किधर गया, हाँ ये देखो गाइस अपने को आना था इसी एरिया में, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। ओके कहाँ गया वो, घूम करके आ गया गाइस मैं। तो ये देखो यहाँ पे लगाया मैंने एक, अब मुझे और एक इसका आधा टुकड़ा चाहिए। चलो उसे भी फटाफट ढूंढते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो उसके लिए अपने को जाना होगा आई थिंक उस एरिया में। तो हमने सारे जगह चेक ही कर लिया, एक तो अपने को मिल गया, एक तो उस एरिया में मिलने से रहा, तो दूसरा ढूंढना होगा अपने को। ये ग्लास जार है गाइस, और अपने को यहाँ से बच बचा के। ओके ये गाइस ये मैं देखो, ये है इस जगह का किचन। और मिसेस मार्टी यहाँ पे देखो सामने जा रही है चलती फिरती गाइस। चलो उसे जाने दो और अब अपन एंट्री करते हैं इस नहीं, ओके नहीं अपने को जाना है यहाँ पे। ओके गाइस अपने को एंट्री लेना है इस पेंट्री में। यहाँ पे बहुत सारे जार्स रखे हुए हैं, ग्लास जार क्या काम है इसका। ओह शिट मैंने बोल दिया, साउंड कर दिया गाइस, वो मिनी रॉड आ रहा है और मुझे लग रहा है अब यहाँ पे वो रॉड भी आ जाएगा गाइस। अपने को यहाँ से निकलना होगा फटाफट। बट अपन यहाँ जिस काम के लिए है वो तो अपने को मिल ही नहीं रहा गाइस। अपने को यहाँ एक रूम, यहाँ कोई एक रूम होना चाहिए गाइस, एक रूम होना चाहिए। नहीं यहाँ भी नहीं है, हाँ तो मिनी रॉड इधर आ जाए। ओके गाइस मुझे ये रूम मिल चुका है और आई थिंक अब मुझे यहाँ पर ढूंढना चाहिए। हो सकता है अपने को यहाँ पर मिल जाए वो आधा टुकड़ा। नहीं गाइस यहाँ नहीं, कहाँ गया यार, इधर नहीं है तो कहाँ मिलेगा अपने को। हाँ ओके गाइस ये देखो अपने को मिल चुका है वो हाफ टुकड़ा। अब चलते हैं हम इस आधे वाले टुकड़े को लेके उस जोसेफ वाले गेट के बाहर। अभी भी यहाँ पे अपने को यहाँ से बच के निकलना होगा। ओके कहाँ गया वो गेट, अरे यार हाँ इस साइड पे। ये देखो ये लगाया मैंने, इसे यहाँ पे प्लेस करा। ये देखो ये जो ग्रीन हो गया ना, मीन्स ये गेट ओपन हो चुका है। अब चलते हैं अंदर, अब देखते हैं अपने को यहाँ से क्या मिलने वाला है। चलो चेक करते हैं क्या है अपने पास, क्या है
ये वार्डरोब तो हमेशा खाली ही रहते गए, अपने को यहाँ से कुछ ना मिला। चलो इसे छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इधर पे कुछ, यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर का पीस। इसे क्या करना है, ऐसे यहाँ रखो अभी फिलहाल। अपने को यहाँ से कुछ एक्साइटिंग चाहिए। एक सेकंड मैं अभी आपको बताता हूँ गाइस कहाँ गया वो। हाँ ये देखो गाइस, ये देखो ये वाली जो फोटोग्राफ है ये अपने को चाहिए थी, फ्रॉस्टी वाली। चलो अब इस फोटोग्राफ को लेके चलते हैं दूसरे एरिया में, और इसका क्या यूज़ है मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। चलो अब फटाफट से, मुझे लग रहा है सही रोड आ गया है। चलो जब तक वो आएगा मैं निकल लूँगा यहाँ से, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब फटाफट से चलते हैं दूसरे एरिया में, और वहाँ चल के दूसरा पजल सॉल्व करते हैं। यहाँ एक पजल सॉल्व हो चुका है। ओके ओके, इधर से अपने को जाना होगा इस वाले एरिया में, और उसके बाद अपने को जाना होगा यहाँ पे। और ये देखो गाइस, यहाँ पे है वो कॉलिंग रूम जहाँ से मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करने वाला हूँ, माइक एंड जे को। मीन्स यहाँ अपना चार्ली का काम होता है ख़त्म, अपना काम आएगा फिलहाल जब वो अपना काम पूरा करेंगे उसके बाद। तो गाइस ये लगाया हमने फ़ोन, और यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है हमारा फ़ोन। चलो हमारी बात हो गई है, अब निकलते हैं फटाफट से हम यहाँ से बाहर। लेकिन एक सेकंड, ये क्या अपने इलेक्ट्रिकल यहीं पे पड़ी हुई है, और माइक कुछ सोच रहा है कुछ। आई थिंक मुझे पता है ये क्या सोच रहा है, यहाँ पे ये अपने को कुछ बना कर देने वाला है, और उन चीज़ों को हमें इसे ला कर देना है जिसे वो हमें बनाने वाला है। मीन्स जो आइटम वो बनाने वाला है उसमें क्या क्या आइटम की रिक्वायर है वो हमें ढूंढना है। तो फटाफट से ढूंढना चालू करते हैं गाइस, और उनमें जो फर्स्ट आइटम है वो है एक टेप। तो पहले अपने को यहाँ से एक टेप ढूंढनी है, तो चलो फटाफट से उस टेप को ढूंढते हैं। टेप इधर ही कहीं होना चाहिए गाइस, चलो ढूंढ कर देखते हैं। पिछली बार भी इस एरिया में अपन लोग आए थे, ये वही वाला एरिया है जहाँ पे मैं लास्ट सीजन कंप्लीट किया था। ओ, और मैं अभी बहुत ही लकीली बचा हूँ रॉड से, सच में आपको विश्वास नहीं होगा इतनी लकी मैं बचा हूँ। चलो इधर आ जाओ इस वाले रूम में, एज इस वाले कमरे में भी अपने को कुछ नहीं मिल रहा गाइस। आई थिंक मुझे यहाँ से दूसरे एरिया में जा कर के ढूंढना पड़ेगा। यार ये माँ है, बार बार वार्डरोब क्यों खोल रहा हूँ। अरे मिल जा भाई, मिल जा मिल जा। एक सेकंड गाइस, कैमरा सेंसिटिविटी ठीक कर लूँ। अरे यार इसी साइड में तो कहीं, हाँ ये देखो गाइस फाइनली मुझे टेप मिल चुका है। ये हमने उठाया टेप, और इसे रख के आते हैं फिलहाल अपने उस माइक जिस रूम के है उसके बाहर। और गाइस मैं फिर से बच चुका हूँ यहाँ पे, एक बार फिर से मैं चकमा देने में कामयाब रह गया। और एक सेकंड गाइस, अभी अपने को यहाँ पर कुछ दिखा था ना, चलो मैं बाद में आकर उसे चेक करता हूँ। फिलहाल अपने को जो दूसरा आइटम ढूंढना है वो मुझे पता है कहाँ मिलेगा, वो मुझे मिलने वाला है बहुत ही डेंजर एरिया में जहाँ पे अपना सामना हो सकता है उस रॉड से। बट गाइस अभी 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 रॉड अपनी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए नीचे गया, और मैं नीचे उतर चुका हूँ। मैं ढूंढता हूँ कहाँ गया वो जिसकी मुझे ज़रूरत है, इस टूल बॉक्स में। ओके गाइस मिल चुका है मुझे वो फाइल, बाय बाय रॉड मैं चला। ओके गाइस मुझे फाइल भी मिल चुका है, अब चलता हूँ यहाँ से फटाफट से बाहर, और ये दे देता हूँ माइक को। और इसके बाद मुझे एक और आइटम की रिक्वायरमेंट होगी गैस, जो कि अभी मैं बताऊँगा आपको। ये फाइल फेंकी मैंने यहाँ पे। ओके अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम। एक सेकंड गैस, अपने को यहाँ पे कुछ मिली, ये क्या, ओ वैन की गाइस, वो पेंट्री वाला जो एरिया था ना वहाँ पे लोडिंग वगैरह के लिए ट्रक आती है। एक सेकंड, अगर गेम वहाँ तक गई तो मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा, अगर उस वे में मुझे गेम को एंड करना रहा तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। बट फिलहाल अपन आ गए हैं क्वालिटी कंट्रोल वाले एरिया में, जहाँ पे लास्ट गेम में हमें इस रॉड के बच्चे ने कैद कर रखा था। चलो फिलहाल अपने को जाना है यहाँ से म्यूजियम वाले एरिया में, क्योंकि अपने को यहाँ पे वो आखिरी आइटम मिलने वाला था। चलो फिर से ढूंढना शुरू करते हैं फटाफट से कि अपने को क्या रिक्वायरमेंट है। ये देखो ये रही वो बाइक, इस बाइक के पीछे से अपने को मिलेगी वो आइटम। तो चलो फिलहाल ट्राई तो किया हमने, लेकिन अपने को तो मिला नहीं। लेकिन एक सेकंड अपन देखते हैं,
ये है सर्टिफिकेट, इसके पीछे होना चाहिए गाइस, लेकिन मैं इस पर एक्सेस नहीं ले पा रहा हूँ। चलो छोड़ो, अब अपने दूसरे पेंटिंग्स पे ट्राई करते हैं, इसे भी एक्सेस नहीं कर पा रहा मैं। लेकिन गाइस फाइनली काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे वो चीज़ मिल गई, मीन्स वो हैंडल एक पेंटिंग के पीछे थी, और यहाँ से मैंने प्रेस कर दिया है ये रिमोट की बटन, और ये क्या मेमोरीज को टच कर दी। यहाँ एविलन कैसे आ गए गाइस? ओके ये कहाँ, ये क्या नेक्स्ट गेम में एविलन भी आने वाली है क्या गाइस? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, कोई गेट को नॉक कर रहा है, और ये देखो एविलन किसी को अंदर बुला रही है। यहाँ पे एक और नन आ चुकी है गाइस, अगर आप लोगों ने इविल नन खेला होगा तो आपको दिखता होगा कि एक नन आती है कपड़े वपड़े लेने के लिए। और ओके इन्हें चुपके से गेट को बंद कर दिया गाइस इविल नन ने, और ये नन देख के बिल्कुल घबरा चुकी है गाइस इविल नन को, और यहाँ पे इविल नन ने देखो क्या करने वाली है, और इस बुरी नन ने इसे भी काबू कर लिया गाइस। ओह नो, अगला सीजन और भी डेंजर होने वाला गाइस, तो हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो फिलहाल यहाँ से हम अपना फाइनल प्रोडक्ट लेके निकलते हैं और देते हैं माइक को, ताकि वो इससे बना सके अपना औजार, और जिससे हम ओपन कर सके एक गेट जो कि है ताले से लॉक। तो चलो फटाफट से ढूंढते हैं कहाँ गया ये गाइस, ये देखो ये मिल गया हमें, जिसकी मुझे थी तलाश वो चीज़ें मिल चुकी है गाइस, और जो कि है एक मेटल बार। तो चलो इसे लेके चलते हैं फिलहाल माइक के पास, और वो हमें देने वाला है एक की। तो चलो फटाफट चलते हैं माइक के पास, किधर गया वो एरिया, अरे किधर गया भाई, अरे ये बार बार रॉन्ग साइड क्यों जा रहा हूँ मैं, शिट किधर जाना है अपने, किधर आ जा रहे हैं, एक सेकेंड कहाँ गया यार वो रूम, भाई अपने को रूम नहीं मिल रहा यार, काफ़ी टाइम के बाद अपन म्यूजियम आए ना इसीलिए हाल है। तो एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये रहा गाइस, चलो यहाँ से फटाफट से चलते हैं ऊपर, ये आ गए अपन ऊपर, कहाँ गया वो एरिया, इस वेंट से लेते हैं अपन एंट्री और सीधा निकलेंगे उस रूम के बाहर। ओके अब फटाफट से गेट को करते हैं ओपन, और ये देखो यहाँ पे माइक अभी भी बैठकर सोच ही रहा है जैसा हमें पता है। ये देखो फिलहाल इसे पूछते हैं इसे क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। ओके इसे देखो वही सारी तीन आइटम मुझे ऑलरेडी पता लगा है जो कि मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। तो फिलहाल इसे एक आइटम दे दिया हमने मेटल बार, अब हमें चाहिए ये फाइल, फाइल को पिक किया हमने, ये ले भाई, बस फटाफट से अपने को हमारा आइटम बना के दे दे, ये दे दिया हमने इसे सेकंड आइटम। अब लेके आते हैं हम अपना थर्ड आइटम, कहाँ गया वो, ये रहा अपना थर्ड आइटम टेप, और वैन की को मैं अभी वहीं छोड़ रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। चलो कहाँ गया ये देखो गाइस, ये हमने रखी है यहाँ पे, और ये क्या, इसने तो हमें एक लॉक पिक बना के दिए गाइस, इसने तो की बात की थी। चलो कोई नहीं, जो मिला उसे से हमें काम चलाना होगा। तो चलो फिलहाल फटाफट से चलते हैं हम वेंट के थ्रू नीचे। ओके अब चलते हैं वापस से म्यूजियम वाले एरिया में, जहाँ पे वो रूम है, वेयर हाउस वाले एरिया में आई थिंक वो रूम है। तो चलो फटाफट से चलते हैं उसे, कहाँ गया गाइस कहाँ गया, और ये देखो मिनी रॉड यहाँ पे बेशर्मों की तरह मेरा इंतज़ार करता हुआ, नहीं यार मेरा इंतज़ार क्यों करेगा, वो अपना काम करता रहता है क्लीनिंग व्लीनिंग। कोई काम कहाँ गया यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं वहाँ से वापस ऊपर आ चुका हूँ गाइस, और एक सेकंड मुझे जो काम करना था मैंने वो कर दिया है, एक्चुअली मुझे जो ओपन करना था मैं वो ओपन कर चुका हूँ, जो कि मैं मिस्टेकली रिकॉर्ड नहीं कर पाया गाइस, उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि फिर से गेम खेलने में काफ़ी दिक्कत होने वाली थी,
बट मैं लास्ट में उस चीज़ का एक इंट्रो जरूर दूंगा गाइस। चलो अपन आ गए थे यहाँ पे, और गाइस अब अपने को यहाँ पे एक छोटा सा मिनी गेम कंपटीशन खेलना होगा जो कि है आइसक्रीम वाला। तो अपने को यहाँ पे आइसक्रीम इस कलर के हिसाब से कलेक्ट करनी होगी गाइस, ताकि हम इस गेम को स्किप कर सकें। और यहाँ से हमें कुछ भी मिलने वाला है आई थिंक। वहाँ जो आप पीछे देख रहे हो वो फेस मास्क रॉड का, वो अपने को मिलने वाला है मिनी रॉड का फेस मास्क। क्योंकि यहाँ पे एक गेट है, आपने देखा होगा गेम के स्टार्टिंग में, जो कि ओपन होगा सिर्फ मिनी रॉड से ही। तो अपन इस फेस को मतलब मास्क को पहन कर निकलेंगे बाहर, और अपने को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। तो चलो फटाफट से, बस ये अपना गेम होने वाला है कंप्लीट। और ये देखो फाइनली हमने कर लिया कंप्लीट, और ये आया अपना मास्क। आजा आजा आजा, गिर जा नीचे गिर जा, और ये गिरा मास्क यहाँ पे। गाइस अब हम पहन चुके हैं मिनी रॉड की मास्क, अब अपने को कोई भी नहीं देख सकता, अब अपन फ्रीली बाहर घूमेंगे। ये देखो ये रहा मिनी रॉड। ए हेलो, नहीं ये भी नहीं देख सकता गाइस अपने को। ओए तू देख ले, ये भी नहीं देख सकता गाइस। हेलो मिसेस स्मार्टी, नहीं ये भी नहीं देख सकते अपने को। तो चलो अब फटाफट से अपने को जो काम करना है पहले वो निपटाते गाइस। तो अब अपने को एक सड़ा हुआ सॉक्स चाहिए, आई मीन सड़ा हुआ मोजा चाहिए गाइस, जो कि अपने को मिलने वाला इस रूम से। और ये देखो यहाँ पे इस गेट को ओपन करते ही मुझे मिल चुका है एक्सेस, और इस रूम में एक्सेस मुझे मिला है इस मिनी रॉड के मास्क के थ्रू। गाइस यहाँ से हमने उठाया ये सड़ा हुआ मोजा, जैसे हमने सड़ा हुआ मोजा उठाया वो मास्क गिर चुका गाइस। मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा। ये मैंने इसे डाला मिल्क वाले टैंक में, ये देखो इस मिल्क वाले टैंक में मैंने डाल दिया, ये बिल्कुल गंदा हो चुका है गाइस। और यह मैंने मिनी रॉड को चखा दिए हैं उसके मजे। अब अपने को एक और आइटम बिगाड़ना है जो कि है शुगर। तो फटाफट से चलते हैं और लाते हैं एक और वेस्ट प्रोडक्ट। और यहाँ देखो ये अपने पे, मैंने कहा था ना ये अपने पे पिंक चलाएगी। अब अपने को अपना सेकंड आइटम चाहिए, चलो फटाफट से उस सेकंड आइटम को भी ढूंढ के करते हैं इस गेम को फटाफट से कंप्लीट। ये देखो ये रहा वो एक्सपेरिमेंटल स्पाइस, यानी कि एक तरह से आप इसे कोई लिक्विड बोल सकते हो जिसे हम बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ बन रही है इस गेम को, ये देखो यहाँ पे पी रही है गाइस। अपने को भागना है यहाँ से, अपने को आना है इस किचन में वापस से। पिछली बार हमने मिल्क में मिलाया था, इस बार हम मिलाएंगे इस शुगर में। और ये देखो इस शुगर को भी हमने कर दिया खराब। अब अपने को एक आखिरी आइटम चाहिए गाइस, एक आखिरी और लास्ट आइटम। चलो चलो फटाफट से चलते हैं अपन अंदर, और आई थिंक वो अपने को यहीं पे मिलने वाला है जो कि है सड़ा हुआ अंडा, क्योंकि हम आइसक्रीम में बनाते हैं अंडे से। तो अब ढूंढते हैं सड़ा हुआ अंडा। चलो कहाँ गया, इधर ही कहीं तो था यार। सड़ा हुआ अंडा, सड़ा हुआ अंडा, सड़ा हुआ अंडा गाइस, कहाँ गया कहाँ गया। अपने को वो अंडा मिल नहीं रहा गाइस। ये देखो फाइनली वो अंडे भी मिल चुके हैं हमें। यहाँ से उठाते हैं हम अंडे को, चलते हैं फटाफट से, और इस अनोखे इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमें बेहोश करना है मिस मार्टी को। ये देखो ये अपने को देख के कैसे मुंह से गोले चलाने लग रही है गाइस, इसी वजह से तो अपने को इसे मारना है। एक बार ये बेहोश हो गई तो अपना काम हो जाएगा गाइस, इसके पीछे वो जो की लटकी है वो अपनी हो जाएगी। चलो मिसेस मार्टी यहाँ से बाहर जा चुकी है। एक सेकंड अपन आ चुके हैं यहाँ पे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आराम से आराम से आराम से, बस मिसेस मार्टी अपने को ना देगा गाइस। ये देखो ये अपन आ गए यहाँ पे, और ये यहाँ पर जो फ्रेश अंडे रखे हैं उससे हमें चेंज कर दिया है इस गंदे वाले अंडे को। और गाइस तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने मिला दिए हैं जिससे आइसक्रीम का टेस्ट बर्बाद हो जाएगा। और आई थिंक मिसेस मार्टी बाहर गई आइसक्रीम खाने गए, अपने को जल्दी चलना होगा वरना अपन कुछ मिस कर देंगे। अगर वो बेहोश होकर उठ गई तो अपन हम आरा काम हो जाएगा गड़बड़। और अरे हट जा, चल चल जा भाई, अरे मेरा गेम जाम हो जा रहा है यार, गेम पता नहीं क्यों बीच में रुक जा रहा है। ये देखो मिसेस मार्टी यहाँ पे, ओहो मिनी रॉड के चलते मैं इन्हें बेहोश होता हुआ नहीं देख सका गाइस। लेकिन चलो फटाफट से अपने को ये कहाँ गई, की कहाँ गई,
भाई कि ये देखो, फिलहाल हमने इस पूरे आइसक्रीम को बिल्कुल बेकार और जहरीला बना दिया है, जिसे खाकर कोई भी बेहोश हो सकता है। तो ये मिली हमें किचन की यहाँ से। ओ गाइस, मैं बातें करने में बिजी था और इतने देर में मिसेस मार्टी उठ चुकी हैं गाइस। तो वो देखो, वो फिर से अपने को मारने के लिए रेडी है, बट अपने पास है किचन की। अब फटाफट से चलते हैं हम किचन पे, ताकि यहाँ से हो सके हम एग्जिट। गाइस चलो ओपन करते हैं ये गेट, और ये ओपन कर लिया हमने गेट। अब चलते हैं इस पाइप के जरिए हम अपने दोस्तों के पास। गाइस ये गए अपने दोस्तों के पास। ये मैं कहाँ गई, वो मिसेस मार्टी, मिसेस मार्टी जा चुकी है। चलो अब अपन लोग भी चलते हैं अपने गेम के अंदर। ओ वो 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 ये गाइस आ चुके हैं वहां पे। हेलो गाइस, चार्ली इज हियर। तो गाइस हमारा हो चुका है रीयूनाइट फिर से। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें गाइस। बट हमारी फ्रेंड अभी भी एक मिस है, और जो कि लीज है। तो आई थिंक गाइस इस गेम का जो सीजन 7 आने वाला है, उसमें हम अपने अपनी फ्रेंड को बचाने वाले गाइस। तो गाइस आज के लिए गेम में बस इतना ही। और आपको गेम कैसे लगी, इंटरेस्टिंग लगी या बेकार लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। लगता है रॉड यहाँ पर आ जाएगा। ये लामी बज रहा है यार यहाँ पर। ओ ये कहाँ गया। ओके ओके ओके, यहाँ पर अलार्म बज गया है, फटाफट खोल। अबे अलार्म बज गया है यार, इसे लॉक को फटाफट खोल। ओके लॉक पिक वर्किंग है भाई, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया। ओके दरवाजा बंद कर, और यहाँ पर है एक लीवर, हाँ पेंट्री का लीवर, इसको हमें दबाना है। ओ वाओ ये भी हो गया यार। ओके